राइट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power 2 - 3x dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, आज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन कर लो, लिखो इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x dx। राइट डाउन कर लो फार्मूला, इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x dx, ठीक है। इसका फार्मूला लिखो, ये हो जाता है b - a, ठीक है। b - a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डैश डैश, ऐसे लिख लो f ऑफ, राइट डाउन कर लो f ऑफ a प्लस n-1, ठीक है, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। ये हमारा पहले तो फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इतना आप जैसे राइट डाउन करोगे, और यहाँ पे एक फार्मूला और होता है h इक्वल टू b - a/n। लिमिट एज अ सम के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे मेन होता है कि हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करके पहले एक एक वैल्यू देखो कि क्या है। यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या आपका आया 0, b इक्वल टू क्या है आपका 1 है, क्योंकि ये a टू b और ये आपका एफ एक्स है, ठीक। तो a टू b, अब यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h इक्वल टू 1 - 0/n, ये हमारा हो जाएगा 1/n, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि ये फार्मूला हमको लर्न करना है लिमिट एज अ सम के क्वेश्चन को करने के लिए, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h डॉटर लास्ट तक कहाँ चला जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखे थे लिमिट एज अ सम करते समय। अब यहाँ पे इतना हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे देखो अब एफ ऑफ x, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका e टू दी पावर 2 - 3x, ठीक। अब देखो हमें b मिल गया, a मिल गया, एफ एक्स मिल गया, अब मेनली हम लोगों को एक एक वैल्यू बतानी है किसकी। अब देखो f ऑफ a की वैल्यू बताओ यहीं पे। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि देखो फार्मूले में क्या है आपका f ऑफ a, f ऑफ a प्लस h, तो सबसे पहला काम ये देखोगे कि f ऑफ a जब भी निकालोगे तो a इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो हम इसको f ऑफ 0 कर लेंगे। तो इसका मतलब जो जो फार्मूले में हमारा f ऑफ a है वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है f ऑफ 0। चलो बट यहाँ पे देखो हमारा ये एफ एक्स डिफाइन है, एफ एक्स डिफाइन है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2 इन टू, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2 - 3x दे रखा है। अब यहाँ पे आपको बताना है f ऑफ 0, तो आप क्या करोगे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप क्या पुट कर दो 0, तो 2 - 3 × 0 ये आपका हो गया e² हो गया, ठीक। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी f ऑफ a की वैल्यू हुई। नेक्स्ट स्टेप में अब लिखो f ऑफ a प्लस h, तो इसका मतलब f ऑफ ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 प्लस h तो ये h ही होगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है 2 - 3 और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसको आप क्या रिप्लेस कर दोगे h रिप्लेस कर दोगे, ठीक। ये तो हमारी वैल्यू हो गई किसकी, f ऑफ a की, f ऑफ a प्लस h की, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे राइट डाउन कर लो, अब ये वाली भी वैल्यू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे भी देखो a 0 है, ये आपका हो जाएगा f ऑफ n-1 इंटू h। तो आपको करना क्या है f x इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 - 3 n-1 इंटू h। बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही
ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ता है, नहीं कहीं भी मिस्टेक हुआ पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। चलो अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अब हम ये फार्मूला, वैसे तो जब कायदे से हमको यहाँ पे फार्मूला ये लिखना चाहिए था वी नो दैट, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेस कम होता इसलिए हम उधर करके फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब चलो एक एक वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखो क्या है फार्मूला, लिमिट एच बी माइनस ए पहले लिख लो, तो बी माइनस ए करोगे तो ए टू बी ये आपका वन ही आ जाएगा, तो वन लिख देंगे हम। और फिर लिख लो लिमिट, लिमिट ये लिखो एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, सिंपल सा है। और ये फार्मूला, यही फार्मूला हम वन बाई वन लिखते चले जाएंगे, वन बाई एन। और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करना है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है आपकी ई स्क्वायर है, ठीक है, पहला स्टेप। सेकेंड में अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आप लिख लो ई पावर टू माइनस ये क्या आ जाएगा थ्री एच आ जाएगा, ठीक, प्लस डैश डैश, ठीक। और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच की वैल्यू भी आई है आपकी ई टू द पावर टू माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू ये एच हो गया, ठीक। ये वैल्यूज को राइट डाउन कर लो आप, ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आप लिख लो यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, यहाँ पे देखो सारे में आपका ई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से आपने क्या करना है ई स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो आपका ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा वन प्लस। अब यहाँ पे देखो जब आप इस वाले को अलग से समझ लो, जैसे e टू दी पावर टू माइनस थ्री एच, ई स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब यहाँ से ई स्क्वायर से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो e टू दी पावर टू माइनस थ्री एच और ये माइनस टू होगा तो ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस थ्री एच, राइट डाउन कर लो, फिर डैश 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 और ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर, यहाँ पे भी आपका बच जाएगा माइनस थ्री एन माइनस वन इंटू एच, ये ऐसे राइट डाउन कर लो सब लोग। यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक सभी का हो गया, चलो अब इसको रफ कर देना। चलो अब देखो ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपान और ये ई स्क्वायर, ये देखो आपका ये क्या बन रहा है, जनरली यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, देखो एक सीरीज बन रही है और ये क्या है ए पी है कि जी पी है, सीधे जी पी बन रहा है, तो जी पी का सम ऑफ एन टर्म्स का क्या करोगे फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो अप्लाई कर दो, क्या लिख लोगे यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बोलो एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है जी पी का ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, वेरी गुड, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r इक्वल टू क्या है e टू दी पावर माइनस थ्री एच है और a इक्वल टू आपका क्या है वन है, यहाँ पे अब ऐसे फार्मूला लिख लो, ये हो जाएगा वन इंटू, अब देखो r टू दी पावर n, तो r की वैल्यू ये है e टू दी पावर माइनस थ्री, जो कॉमन डिफरेंस है हाँ वन अपॉन के फॉर्म में हो जाएगा तो वो वन से छोटा हो जाएगा ना, कहाँ पे अब इसे देखोगे ना एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म का है ना ये, तो उसमें तो हम लोग पढ़े थे ना एक कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, अच्छा वो वाला ना लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 की बात कर रही हो, ठीक है, उसमें 1 माइनस, चलो फिलहाल यही वाला अप्लाई करते हैं पहले फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। e टू द पावर आपका क्या हो गया माइनस क्या है आपका 3h r टू दी पावर n होता है ना, और पावर क्या कर लोगे दिस और माइनस वन, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा r माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 3h और आपका क्या हो जाएगा माइनस वन, ये राइट डाउन कर लो सभी लोग।
ठीक, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये e स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, e स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर ये लिख लो e टू द पावर माइनस 3hn माइनस 1/e टू द पावर माइनस 3h, ठीक है, और माइनस 1, ठीक। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लो पहले। हो गया सबका? चलो अब देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली, यहाँ पे अब देखो, देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, h इक्वल टू 1/n आया है ना, तो हम चाहें तो यहाँ पे n इंटू h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 राइट डाउन कर सकते हैं, n इंटू h की जगह पे 1 रिप्लेस कर सकते हैं। अब पहले इसको रफ कर दे रहे हैं, अब यहां पे लिख लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और ये हो गया e स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा nh की जगह पे हम 1 लिख देंगे, ये e पावर माइनस 3 माइनस 1, और अपान यहाँ पे भी राइट डाउन कर लो e टू दी पावर, अब आप इसको क्या लिख लोगे, माइनस 3 इंटू, अब देखो h की जगह पे क्या रख दो, यहाँ पे 1/n हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3/h, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, राइट डाउन कर लो। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आप इसको और ये e स्क्वायर, ये सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है, ये e स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 3 माइनस 1 को हम बाहर ले लिए, और यहाँ पे ये बच गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, 1/n, और आपका क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया, इसको 1/n को हम ऐसे ऊपर लिख लेंगे, अब 1/n और e टू दी पावर माइनस 3h माइनस 1, ठीक है, इतना राइट डाउन कर लो सब लोग। सर हो गया। चलो इसके बाद से एक फार्मूला लिखो, फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स अपान ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये राइट डाउन कर लो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स अपान ई पावर एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये x है, और ये x तो यहाँ पे भी क्या है, x होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपका क्या है, x की जगह ये है माइनस 3/n है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 3/n लाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें इंटू 1/-3, और इसको हम कर दिए माइनस 3, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, ठीक। तो ये देखो, इस पूरे की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा इस वाले फार्मूले से, इसको लिख राइट डाउन कर लो, ये हमारा हो गया, अब e स्क्वायर e माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1/3, इतना राइट डाउन कर लो सब सारे लोग।
आंसर हो गया, हो गया ना। अब इसी को अरेंज कर लो, अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? अभी से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन और माइनस ई स्क्वायर और ये माइनस वन अपॉन थ्री, ये भी लिख दो आंसर, ये भी सही है। या फिर चाहो और एक दो स्टेप कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया सबका? यस सर, हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप देखो चाहते तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ई स्क्वायर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और इसको आप लिख लोगे वन अपान ई लिख लोगे और ये अपान थ्री, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। क्या किए हैं देखो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, माइनस जैसे आप कॉमन लोगे तो ये ई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस है तो वन अपान ई कर दिए, वन अपान थ्री, बस आंसर को अरेंज किए हैं। चाहो यहाँ भी छोड़ दो, सही है, फिर इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो यहाँ से क्या है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। अब आपका 41 to 44 ये सारे आपके क्या है, आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें चलो देखो 41 में क्या दे रखा है आपका, इंटीग्रेशन dx अपान ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x। ठीक है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जल्दी बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये हो जाएगा ठीक 1 upon e to the power x प्लस 1 upon e to the power x dx, ऐसे राइट डाउन कर सकते हो ना। ये हो जाएगा e to the power x e to the power 2x प्लस 1 dx। ठीक है ना, e पावर x से यहाँ पे क्या कर लिए, एलसीएम मल्टीप्लाई किए तो e power 2x e power x यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। लिख लो नेक्स्ट स्टेप में, लेट ई टू दी पावर एक्स को क्या कर लोगे, टी लिख लोगे तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, तो आपका ये क्या हो जाएगा टैन इनवर्स टी और प्लस सी। ठीक है, तो ये टैन इनवर्स टी क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, लिख लो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सब लोग कंप्लीट कर लो इसको। अच्छा नेक्स्ट देखो 40, चल अब देखो 42, अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, अब देखो 42 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन आपका cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का? हाँ बोलो साक्षी सर, इसमें तो cos square x माइनस sin square x, वेरी गुड, फॉर्मूला अप्लाई किए तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, ये हो गया दिस, फिर cos x माइनस sin x और ये देखो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये और ये आपका कट गया और ये आपका क्या हो जाएगा dx हो गया। तो अब आपका क्या बच गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, किसको t लेट कर लोगे, लेट sin x प्लस cos x को t लेट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये cos x माइनस sin x dx एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपान टी डी टी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, तो लॉग मॉड ऑफ मॉड क्या लिख लोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे,
बी राइट डाउन कर लो, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है चलो अब नेक्स्ट 43। सर मॉड लगाना कंपलसरी? हाँ एक्चुअली ये फार्मूला ही होता है ना सौरभ, इंटीग्रेशन 1/t dx का फार्मूला क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड टी। चलो अब नेक्स्ट लिखो 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या है, ये दे रखा है, सॉरी ये लिख लो, इफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है, देन हम लोगों को क्या बताना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है चलो तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी एक याद करो, एक हम लोग ये पढ़े थे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या पढ़े थे a टू b f ऑफ x dx, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसको हम ये लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, राइट डाउन कर लो ये प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इंटीग्रेशन की क्या होती है, डिफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब इसी को हम पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो राइट डाउन कर लो ये हो जाएगा आपका ए टू बी। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसका मतलब जहाँ जहाँ आपका एक्स है उसके पहले आपको क्या करना, जैसे एक्स है तो ये लिखोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स लिख लो। ठीक है और देखो आपका ये गिवेन है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये एफ एक्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और यही आपका क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट डाउन कर लो इसको। और एक काम करो इसको यहाँ पे आइलेट करके चलो, शुरू से इसको हमने आइलेट कर लिया। ठीक है अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब इसको लिख लो ए टू बी और यहाँ पे करो क्या, हम इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है एक साथ और माइनस एक्स को हम अलग कर लिए। ठीक अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है और माइनस ये ले लो ए टू बी, ठीक है ए टू बी और आपका हो जाएगा एक्स इंटू ये आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये लिख लो एफ एक्स डी एक्स, राइट डाउन कर लो इसको। और ये आपकी यही क्या है आपका, ये देखो आपका ये आई लेके चले हो, ये आप जब इधर लेके आओगे तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको आप क्या लिख लोगे 2i आ जाएगा क्योंकि ये i इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है तो 2i इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी ए ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक अब देखो ये हो गया a प्लस बी आपका कांस्टेंट है तो हम a प्लस बी को ऐसे बाहर ले लेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 2i की वैल्यू है तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन चेक करो, कौन सा है डी है, ओके आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है ध्यान से इसको सीख लेना।
चलो ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 में इंटीग्रेशन 0 to 1 टैन इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स 2x-1 अपॉन 1+x-x2 dx। ठीक है, अब चलो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करो क्या, इसको हमने लेट कर लिया i=2। ठीक, और इसको पहले आप ब्रेक करो 0 to 1 tan इनवर्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस और ये लिख लो -x। ठीक है, या फिर ऐसे करो यहाँ पे 1 पहले लिख लो, ठीक, ये लिख लो 1-x, x-1-x और अपान, ठीक, इसको ऐसे लिख लो 1+x और ये क्या हो गया आपका 1-x। ठीक है, ये हो गया dx। देखो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, क्या कर दिया, 2x को हमने ऐसे लिख दिया x माइनस, ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो x माइनस 1 ही होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2x एज इट इज, यहाँ पे हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, ये 1-x हो गया। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाला आप फार्मूला रिवाइज कर याद करो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला, ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1+ a इंटू क्या हो जाता है, b हो जाता है। यही सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक, और ये लिख लो 0 to 1। अब देखो tan इनवर्स a की जगह आपका x है और b की जगह हमने क्या ले लिया, दिस, तो ये लिख लो tan इनवर्स x माइनस आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स 1-x और ये आपका हो गया होल dx, ये लिख लो i=2। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमारा ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख लिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1-x। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली a to b, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, सॉरी, ये लिख लो 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसकी, डिफिनिट इंटीग्रल की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 to 1 और इसको लिख लोगे tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, ये 1-x, ठीक है, और माइनस ये लिख लो tan इनवर्स 1-, ठीक है, और x की जगह आप क्या लिख लोगे ब्रैकेट के अंदर, ये 1-x और ये होल क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको, ठीक, तो जब आप इसको राइट डाउन करोगे तो ये 0 to 1 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, राइट डाउन कर लो। अब देखो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा i=2 0 to 1, दिस वन इज tan इनवर्स 1-x, माइनस का साइन लिए और यहाँ पे देखो tan इनवर्स, इसको ओपन करोगे ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स ये x और ये क्या हो जाएगा होल dx। ठीक, आपने इसको लिखना है इक्वेशन 2 और लिख लो एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जब जैसे आप ऐड करोगे तो ये 2i=2 और यहाँ पे देखो जब आप ऐड करोगे तो ऐड करते समय ये चीज़ ध्यान दो, देखो tan इनवर्स x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और tan इनवर्स x क्या है आपका, निगेटिव है, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो आपका माइनस tan इनवर्स है और यहाँ पे क्या है आपका प्लस का साइन, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 0, तो इम्प्लाइज दैट i=2 क्या हो जाएगा, 0
और ऑप्शन देख लो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो वाला ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन बी क्या है, राइट। ठीक है, ये था हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज 7, जिसको आज हम लोगों ने पूरा ब्रीफली एक एक क्वेश्चन को क्या किया, डिस्कस किया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके फिर।